वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले, वीडियो में काफी हूँ एक्साइटेड क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे भी जानना है। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडिया 2024 के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट जो होने वाले हैं स्टार्ट या कम्प्लीट। तो प्रॉपर डिटेल्स हमें नहीं पता, लेकिन वीडियो देख के हम पूरी प्रॉपर डिटेल जान पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, साल 2023 में हमने काफी सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते देखा है, जहां भारत में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री हेल फैक्ट्री कंप्लीट हुई है। वहीं भारत का जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसका सोना दोसा लालसोट वाला सेक्शन फरवरी महीने में और मध्य प्रदेश वाला सेक्शन सितम्बर महीने में शुरू हो चुका है, और अब ये पूरी तरह से 2024 में शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा भारत में चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल भी ऑपरेशनल हो चुकी है, जो साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक अपने 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में तोड़ रही है, जबकि साल 2024 में इसके दूसरे सेक्शन को भी शुरू किया जाना है। वहीं भारत में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो जहाँ साल 2022 में कुल 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हुई थी, वहीं साल 2023 में कुल 27 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ऑपरेशनल हुई हैं। वर्तमान में कुल मिलाकर 34 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत वर्ष में चलाई जा रही हैं, और साल 2024 में ये संख्या तेजी से बढ़ने वाली है, और काफ़ी सारे अलग अलग रूट पर इसे रन किया जाएगा। और यदि हम भारत में चलने वाली मेट्रो की बात करें तो साल 2023 में काफ़ी सारी मेट्रो की नई लाइनें और कुछ नई मेट्रो भी शुरू हुई हैं, जैसे कि मुंबई मेट्रो की लाइन 2 और लाइन 7 पूरी तरह से ऑपरेशन हो चुकी है। वहीं बेंगलुरु मेट्रो का फेज 2 शुरू हो चुका है, और दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सटेंड लाइन भी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी है। जबकि 2024 में भारत में काफी सारी नई नई मेट्रो भी शुरू होने जा रही हैं, जैसे कि आगरा मेट्रो, इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो और कुछ मेट्रो की नई लाइनें भी शुरू होने वाली हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आज भारत तेजी से ग्रो हो रहा है, और कहीं ना कहीं भारत के ग्रो होने में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफी बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सरकार ने अपना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करने पर केंद्रित कर दिया है, जिसके चलते भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हुआ है, और आज भी काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट पर बढ़ चल रहा है, जिसको देखते हुए चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भी आज भारत को झुककर सलाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे 2024 में कम्प्लीट होने वाले भारत के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। इनसे जुड़ी डिटेल क्या है, अपडेट किया है, ये सब जानेंगे। पर उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने शेयर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट में नंबर 10 पर है मुंबई का कोस्टल रोड। दोस्तों, रोड तो भारत में काफी सारे बन रहे हैं, लेकिन बात जब भारत के सबसे खूबसूरत रोड की आती है तो वो है मुंबई का कोस्टल रोड, क्योंकि यही वो रोड है जहां पर हमें रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, एम्फी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक्स और टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है। इस कोस्टल रोड को ऑफिशियली तौर पर छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल मोटरवे नाम दिया गया है। इस कोस्टल रोड में न सिर्फ हमें इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, बल्कि ये कोस्टल रोड मुंबई में कनेक्टिविटी को भी बूस्ट कर रहा है। आपको बता दें, मुंबई साउथ से लेकर नॉर्थ तक 45 किलोमीटर की दूरी जिसको तय करने में घंटों का वक्त लगता था, वही दूरी अब इस कोस्टल रोड की मदद से सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में पूरी हो सकेगी। बात करें इस कोस्टल रोड की लंबाई की, तो 29.2 किलोमीटर लंबे इस कोस्टल रोड को साल 2015 में मंजूरी मिली थी, जहां इस कोस्टल रोड को दो फेज में बनाया जाएगा। इसमें से एक साउथ फेज और दूसरा है नॉर्थ फेज। साउथ फेज की लंबाई 9.98 किलोमीटर की है, जो मरीन लाइन से शुरू होकर बल्ली पर एंड होता है, जबकि नॉर्थ फेज की लंबाई 19.22 किलोमीटर की है, जो कांदीवली से शुरू होकर बांद्रा में एंड होता है, और इन दोनों फेज के बीच में आता है 5.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वल्ली सीलिंग। दोनों फेज को मिलाकर कोस्टल रोड की कुल लंबाई 29.2 किलोमीटर की है, और यदि हम बांद्रा वल्ली सीलिंग को भी जोड़ दें तो इसकी कुल लंबाई 34.8 किलोमीटर की हो जाती है। मुंबई कोस्टल रोड 8 लेन का होने वाला है, और इसके लिए 415 एकड़ का एरिया रिक्लेम किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेस वे के अलावा रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक और पार्किंग भी बनाई जाएगी।
जबकि दो लेन की बस रैपिड ट्रांजिट और बस स्टॉप्स भी प्लान किए गए हैं जिनको पेडेस्ट्रियन अंडरपास से जोड़ा जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि कोस्टल रोड दो फेज में डिवाइड है, साउथ फेज और नॉर्थ फेज, तो वर्तमान में अभी सिर्फ साउथ फेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जबकि नॉर्थ फेज का कंस्ट्रक्शन अभी भी शुरू नहीं है। साउथ फेज की बात करें तो ये प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर बांद्रा बल्ली स्टील लिंक से अटैच होता है। इस फेज में कुल 3 इंटरचेंज, 2 ब्रिज और एक जुड़वा सुरंग बनाई जाएगी। इस फेज का कंस्ट्रक्शन बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वर्तमान में इस कोस्टल लोड का लगभग 86% वर्क कम्प्लीट है और अब इसे फरवरी 2024 तक आंशिक रूप से शुरू करने का प्लान चल रहा है। तो अब बात करते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की। नंबर 9, सेला टनल। दोस्तों, सेला टनल का निर्माण असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच सभी तरह के मौसम में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2019 में रखी गई थी। ये एक 2-लेन हाईवे टाइप टनल है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 13 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल की कुल लंबाई 2584 मीटर की है और चौड़ाई है 12 मीटर। लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं, खास बात है टनल का निर्माण सेला पास से 400 मीटर नीचे किया जा रहा है जहां पर इसका एल्टीट्यूड लगभग 3000 मीटर के आसपास है और यहां पर एक साथ 2 टनल डेवलप की जा रही हैं। इसमें टनल 1 की लंबाई 993 मीटर और टनल 2 की लंबाई है 1591 मीटर। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9.075 किलोमीटर लंबा एप्रोच रोड का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा इस टनल के पैरेलल इमरजेंसी एस्केप ट्यूब बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 7.26 मीटर है और इसकी ओवरहेड क्लीयरेंस 4 मीटर की है। इस प्रोजेक्ट में इमरजेंसी टनल का निर्माण इसकी मेन टनल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर किया गया है और टनल की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, फायर फाइटिंग डिवाइस, वेंटिलेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग, एलईडी लाइट्स आदि को इंस्टॉल किया गया है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है जहां वर्तमान में लगभग 92% वर्क कम्प्लीट है, जबकि बाकी का काम कम्प्लीट हो जाने के बाद लोग सर्दियों में भी इससे गुजर सकेंगे और इससे न केवल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन भी बूस्ट हो सकेगा। अब नंबर 8 पर है राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं जहां हाल फिलहाल पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी एक नए स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, जबकि भारत के दूसरे शहरों में भी नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है बिहार में बनने वाला राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे 2024 तक कम्पीट करने का प्लान है। ये स्टेडियम बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर में बनाया जा रहा है। राजगीर स्टेडियम की आधारशिला साल 2018 में रखी गई थी जिससे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया जाएगा। राजगीर स्टेडियम 90 एकड़ जमीन में करीब 633 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इस स्टेडियम में न सिर्फ क्रिकेट खेला जाएगा बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेल सकते हैं। स्टेडियम की खास बात यह है कि इसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें इंडोर आउटडोर खेल, कैफेटेरिया, मोटिवेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल जैसी मॉडर्न फैसिलिटी भी मिलेंगी। और दर्शक क्षमता की बात करें तो ये स्टेडियम भारत के बड़े स्टेडियम में से एक होने वाला है क्योंकि इस मैदान पर एक साथ 45,000 लोग लाइव मैच देख सकेंगे। और आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है, अगर आपको भारत के सबसे बड़े स्टेडियम की दर्शक क्षमता पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 7 पर है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार साल 2022 में 2.3 करोड़ लोकल पर्यटकों ने अयोध्या विजिट किया है जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,465 रही है और आने वाले सालों में ये संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। इसी को देखते हुए अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग, एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी और एयरक्राफ्ट से उतरने पर सीधे राम मंदिर के तत्काल दर्शन के लिए ये एयरपोर्ट सक्षम है। इस एयरपोर्ट के लोकेशन की अगर बात करें तो ये एयरपोर्ट NH-27 और NH-330 के बीच सुल्तानपुर नाका के पास मौजूद है और अयोध्या श्री राम के मेन मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट के पहले फेज के अंतर्गत कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन होगी
2245 मीटर लंबा रनवे का डेवलपमेंट होगा और डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज एक होमिंग गेट सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इसका पहला फेज डोमेस्टिक ऑपरेशन हैंडल करेगा जबकि दूसरे फेज में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस हो सकेंगी। एयरपोर्ट के दूसरे फेज में रनवे को 3125 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और 30,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में दूसरा टर्मिनल भी बनाया जाएगा। ये पूरा एयरपोर्ट करीब 821 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर ATC टावर, एपरन, टैक्सी वे और आइसोलेशन क्षेत्र के साथ टर्मिनल वन का निर्माण कार्य चल रहा है जो अपने आखिरी फेज में है। एयरपोर्ट हर घंटे 500 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और एक समय में 8 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट भी रख सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या एयरपोर्ट 2024 की पहली तिमाही तक कोलकाता और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे दूसरे शहरों को जोड़ेगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर नमस्ते अनवर टीवी को फॉलो जरूर करें। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज भारत में मेट्रो का जाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और काफी सारे नए मेट्रो प्रोजेक्ट प्लान किए जा रहे हैं। और यदि हम अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो आज भारत के काफी सारे शहरों में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी में से एक है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। ये मेट्रो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है जिसमें कुल 27 स्टेशन बनाए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2019 में हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क का उद्घाटन किया था। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 8,379 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें मेट्रो की दो लाइनें शामिल हैं। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 30 किलोमीटर की है। इसमें 7.7 किलोमीटर का सेक्शन अंडरग्राउंड जबकि 23.3 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज बनने वाली दो लाइनों में से एक लाइन सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक बनाई जा रही है, जहां 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरी लाइन आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनाई जाएगी, जिसमें 15 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। दोनों लाइनें आगरा शहर को बीचों बीच से गुजर रही हैं, जहां ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा जैसे पर्यटन केंद्र के साथ साथ ISBT, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, संजय प्लेस और मेडिकल कॉलेज आसपास के घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों से कनेक्ट हो सकेंगे। वर्तमान में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का फेज वन अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके तहत आगरा मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर जो ताज ईस्ट गेट से लेकर आगरा के मन का मेजबर मंदिर तक 16 किलोमीटर लंबाई का है, उसे मार्च 2024 तक ऑपरेशनल किया जाना है। नंबर 5, द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों, देश का पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे साल 2024 में शुरू होने जा रहा है। 8 लेन वाले इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को दिल्ली और गुरुग्राम के बीच नेशनल हाईवे 48 को कम करने के लिए बाईपास के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा तब द्वारका से मानेसर तक सिर्फ 15 मिनट में, मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट में, द्वारका से NH1 सिंधु बॉर्डर 25 मिनट में और मानेसर से NH1 सिंधु बॉर्डर 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में महिपालपुर में शिवमूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम बॉर्डर को टच करते हुए खेर की दौलत टोल प्लाजा पर एंड होता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर की है। इसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में जबकि 10.1 किलोमीटर का पार्ट दिल्ली में आता है। वे या NH248BB है। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जहां परियोजना के निर्माण में देश में पहली बार 1200 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया और देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी और 8 लेन चौड़ी टनल भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है। इस परियोजना की जो सबसे खास बात होने वाली है वो है इसका रोड नेटवर्क जो कि 4 लेवल का है। इसमें टनल, अंडर पासेस, एड ग्रेड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर बना दूसरा फ्लाईओवर भी शामिल है। साथ ही एक्सप्रेस वे में स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरे जैसी हाईटेक फैसिलिटी भी मिल रही है, जिसकी मदद से जाम जैसी समस्या से निजात मिलेगी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और इस प्रोजेक्ट के तहत 24 इन्वेस्टमेंट एरिया, 8 स्मार्ट सिटी, 5 बिजली परियोजनाएं और 2 एयरपोर्ट का निर्माण शामिल है। ये कॉरिडोर स्कूलों और हॉस्पिटल के अलावा पोर्ट्स, हाईवे और लॉजिस्टिक हब सहित
इंडस्ट्रियल एरिया को स्थापित करेगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2006 में भारत और जापान सरकार के बीच एक संयुक्त परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जहां इस प्रोजेक्ट के तहत सेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा साल 2019 में किया जा चुका है, जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जल्द ही ऑपरेशनल करने का प्लान है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1483 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जो दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मुंबई तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में 100 बिलियन डॉलर खर्च आने की उम्मीद है और इस परियोजना का उद्देश्य भारत की जीडीपी में ग्रोथ करने के साथ साथ रोजगार भी प्रोवाइड करना है। इस प्रोजेक्ट के सभी चार फेज को 2024 से 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं नंबर तीन की। नंबर तीन पर है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल यानी कि दिल्ली गाजियाबाद रैपिड रेल हाल ही में साहिबाबाद से लेकर दुबई के बीच शुरू हो चुकी है। ये रेल मौजूदा रेलवे से काफी अलग है क्योंकि ये डेडिकेटेड पथ के साथ हाई स्पीड पर वर्ल्ड क्लास हाई फ्रिक्वेंसी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये रैपिड एक्स ट्रेन या नमो भारत साहिबाबाद से लेकर दुबई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर में चलाई जा रही है और साल 2024 में इसका दूसरा फेज जो कि दुबई से लेकर मेरठ साउथ तक उसे भी शुरू किया जाना है, जबकि इसका पूरा कॉरिडोर मोदीपुरम से लेकर सराय काले खां तक साल 2025 तक शुरू करने का प्लान है। आपको बता दें दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है और इसकी कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर की है। इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है जबकि 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। इस पूरे कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन बनाए जाने हैं जिसमें से 3 स्टेशन दिल्ली में जबकि बाकी के 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश में आते हैं। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक नई रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी वाली कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है और इसके तहत 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेनें प्रोवाइड की जाएंगी और जरूरत पड़ने पर इसकी फ्रिक्वेंसी हर 5 मिनट तक जा सकती है। ये कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करता है और इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में करीब 30,000 करोड़ की लागत आने वाली है। इस रैपिड रेल की खास बात ये है कि रैपिड रेल को भारतीय रेलवे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल्स एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही ये कॉरिडोर रोजगार एजुकेशन और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। अगर आप में से किसी ने भी इस रैपिड रेल पर सफर किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट पर। नंबर टू वंदे भारत एक्सप्रेस। आज भारत में लोकल ट्रेन से लेकर सेमी हाई स्पीड रेल तक सभी तरह की ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि फ्यूचर में बुलेट ट्रेन भी भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख देगी। और अगर हम वर्तमान में भारत की फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें तो उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। ये भारत में बनने वाली पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है जो दिखने में एकदम प्रीमियम ट्रेन लगती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन वो बात अलग है कि ये सिर्फ एक ही रूट में 160 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, जबकि इसके जो मोस्टली रूट्स हैं उसमें इसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखी गई है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए ट्रैक्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये ट्रेन यात्रियों के लिए जितनी ज्यादा आरामदायक है उतनी ज्यादा देखने में खूबसूरत भी। साथ ही इसमें हमें वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक प्लग दरवाजे, टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे, जीपीएस इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी फैसिलिटी भी मिल जाती है। और अगर हम भारत में चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 18 फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू किया गया था और इस वीडियो को बनाने तक वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या 34 हो चुकी है। आखिरी बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी, जबकि फ्यूचर में काफी सारे रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस प्रपोज्ड है, जैसे कि लखनऊ से पटना के बीच, जम्मू से श्रीनगर के बीच, दिल्ली से अमृतसर के बीच, इंदौर से सूरत के बीच, अहमदाबाद से मुंबई के बीच और मंगलोर से मडगांव के बीच जैसे दूसरे रूट्स में भी वंदे भारत ट्रेन प्रपोज्ड है। तो फाइनली अब बात करते हैं नंबर वन प्रोजेक्ट की। तो इस लिस्ट में नंबर वन पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों एयरपोर्ट तो हमने काफी सारे देखे हैं, लेकिन बात जब भारत के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की आती है तो वो है मुंबई का अपकमिंग एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट। और जैसा कि एयरपोर्ट महाराष्ट्र के मुंबई में बनाया जा रहा है तो इसका मकसद यही है कि मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बढ़ती भीड़ को
हैंडल कर सके और मुंबई एयरपोर्ट का दूसरा ऑप्शन बन सके। बात करें इस एयरपोर्ट की तो साल 2023 में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड में हुआ है और जो टारगेट था इसके फेज वन को ऑपरेशनल करने का वो साल 2024 में कंप्लीट होना है। आपको बता दें साल 2018 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई थी जबकि एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन साल 2021 में शुरू हुआ था। नवी मुंबई एयरपोर्ट को करीब 1160 हेक्टेयर एरिया में डेवलप किया जा रहा है जिस पर कुल खर्च 16,700 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन तीन फेज में डिवाइड है जहां इसके पहले फेज में सदर्न पार्ट को कंप्लीट किया जा रहा है। इस फेज के कंप्लीट होते ही एयरपोर्ट हर साल करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा और जब नवी मुंबई एयरपोर्ट का आखिरी फेज भी कम्प्लीट हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट से हर साल करीब 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट के टर्मिनल में यात्रियों को फूड कोर्ट्स, लॉन्जेस, टेबलेटर्स, टैक्सी वे सिस्टम, मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी फैसिलिटी मिल रही है। साथ ही एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए इस एयरपोर्ट को एक्सप्रेस मेट्रो लाइन द्वारा मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन से भी इसको कनेक्ट करने का प्लान है और भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से भी इस एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का प्लान है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 3,700 मीटर की होने वाली है जो चौड़ाई में 60 मीटर का होगा। रनवे के बगल में 2 पैरेलल टैक्सी वे बनाए जा रहे हैं और एंट्री के लिए एयरपोर्ट पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से एंट्री हो सकेगी। वर्तमान में नवी मुंबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है जिसका फेज वन 2024 तक और पूरी तरह से इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। तो दोस्तों ये थे वो 10 प्रोजेक्ट जो 2024 में कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो हो चुकी है हमारी खत्म। वीडियो देख के काफी मजा आया, काफी चीजें जानने को मिली और सबसे बड़ी बात की वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं कर रही, इस वजह से बात नहीं कर पाई क्योंकि वो इतनी डिटेल में हमें समझा रहे थे, हर चीज वो बता रहे थे डिटेल में, तो वो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी हमें और हमें देखना है 2024 में क्या चीजें होने वाली है, कौन सी चीजें कम्प्लीट होने वाली है, सारी चीजें जाननी थी। तो वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई और मैं सच बताऊँ मुझे वीडियो देख के इतना मजा आया और मतलब इंडिया इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, वो चीज देख के इतना अच्छा लगता है, मतलब एक मुल्क इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और मतलब इतना ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात जितने भी उनके न्यू प्रोजेक्ट थे सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, बहुत मजेदार थे और एयरपोर्ट हो गया, स्टेडियम हो गया, मेट्रो, एवरीथिंग, मतलब रोड्स हो गई, टनल्स हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा था और मतलब वो इतने मतलब पैसे लगा के वो इतनी चीज अरे मतलब करोड़ों में बातें हो रही थी, तो काफी अच्छा रहा। मतलब उतने अच्छे प्रोजेक्ट थे जो 2024 में कुछ कम्प्लीट होने वाले, कुछ स्टार्ट होने वाले, बस यही। और मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा कि जो एयरपोर्ट था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत उन्होंने जितना वीडियो में हमें बताया कि ये चीजें इसमें होने वाली हैं, तो मुझे तो काफी एयरपोर्ट काफी अच्छा लगा। और दूसरी बात की वो जो स्टेडियम के बारे में बता रहे थे, स्टेडियम में बहुत कमाल था और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ 2024 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हूँ और ये कम्प्लीट भी हूँ क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे लगे, इसकी वजह से इंडिया यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। और अभी भी इंडिया बहुत ज्यादा आगे है, वो मैं नहीं कह रही, इंडिया बहुत आगे और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मतलब एक स्टेट में काम हो रहा है, पूरे प्रॉपर इंडिया में वो काम कर रहे हैं, एक छोटे छोटे से शहरों में हर तरफ उनका काम फैला हुआ है और मतलब इतने प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ 2024 सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहे, यही है। और 2024 में हम सबको यही करना चाहिए कि हम सब लोग अच्छे अच्छे काम करें और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने का सोचें और खुद पे ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है। आई होप सो हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अभी के लिए बाय बाय।